अब इसका वरना का फटाफट से इंजन खोल लेता हूँ और इंजन खोल के दिखा। भाई साहब ये काफ़ी हैवी है, अच्छा खासा वेट दिया हुआ है इसमें भी। और ये है इसका टर्बो 1.5 लीटर इंजन जो कि टॉप वेरिएंट का है। और ऐसा है कुछ इसका सारा का सारा। भाई आज हम लोग फॉर्चून हुंडई पे, फॉर्चून हुंडई मेरठ के अंदर दिल्ली रोड पे, और यहाँ पे हमारे साथ में है वरना 2023 ऑल न्यू ग्रे कलर के अंदर। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गाड़ी है ये सेडान, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट बन चुकी है, जिसमें कि अडास और बहुत सारे खूबसूरत फीचर्स आते हैं। फटाफट से बात करते हैं इसके 360 व्यू की। और सबसे पहले इसके अंदर आ जाते हैं ये पार्किंग सेंसर, चार पार्किंग सेंसर है फ्रंट में, और ये इसकी जो है नंबर प्लेट की प्लेसमेंट है यहाँ पे। ये इसका DRL है जो कि यहाँ से लेके पूरी पूरी कनेक्टेड है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है इसके अंदर, फर्स्ट इन सेगमेंट है इसका। जो ये हुंडई का जो लोगो है ये वाला आ जाता है सिल्वर सैटन में, ये कोई भी क्रोम में नहीं आता, कोई भी शाइनिंग नहीं आती। इसके अलावा इसका बोनट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव बोनट है, काफ़ी शार्प एजेस है। बाकी साइड में चलते हैं इसके, तो साइड में इसके इस टाइप का कुछ लुक है जो कि बहुत ज़्यादा अपीलिंग है। और इसके जो ये एजेस दिए गए हैं, ये कट्स दिए गए हैं शार्प वाले, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। साथ ही इसके जो आप डोर हैंडल्स देख पा रहे होंगे, ये डोर हैंडल्स भी इसके सिल्वर सैटन में दिए गए हैं, और यहाँ पे भी कोई क्रोम यूज़ नहीं किया गया हुआ है। बाकी इसके अलावा अगर इसके टायर प्रोफाइल की बात करें, साइड में अगर है ही तो टायर प्रोफाइल में इसके मिल जाता है अपोलो का टायर कंपनी से, जो जिसकी प्रोफाइल है 205/55R16। तो 16 इंच का टायर है, और ये जो अलॉयज है ब्लैक कलर में, बहुत ज़्यादा अपीलिंग प्रोफाइल दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक अच्छा लुक इस गाड़ी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। ये गाड़ी है ग्रे कलर में जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है। और ऐसा है कुछ इसका साइड से व्यू, जिसमें कि ये वाली जो पट्टी है ये भी क्रोम में ना देके अब सिल्वर सैटन दे दी गई है। चलते हैं फटाफट से इसके अंदर और आपको चेक करवाते हैं इसके नए इंटीरियर की फर्स्ट लुक और क्या कुछ खास है। इधर की साइड मिल जाता है इसका जो रिक्वेस्ट सेंसर है। गेट को ओपन करते हैं, अंदर चलने से पहले जो गेट पे यहाँ पे मिलता है ये पूरा लेदर है, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसका जो एक टच है वो है। यहाँ पे मिल जाते हैं इसके सारे कंट्रोल्स। कंट्रोल्स की अगर बात करें तो चारों खिड़की के, उसके बाद में जो ORVMs को एडजस्ट करने के और फोल्ड करने के, इसके अलावा यहाँ पे गाड़ी को ओपन करने का ये वाला जो सिल्वर सेटन में दिया गया है, ये शाइनिंग है, ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो इसके अंदर मिल जाता है अपने को 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। एक चीज़ की मेरे को कमी लगी, ये वाले जो हैं वो सामने देने चाहिए थे फ्यूल लेट, और जो बूट को खोलने का जो कंट्रोल्स होते हैं वो सामने देने चाहिए थे, लेकिन इसमें अभी भी वहीं पे दिए गए हैं। ऐसे हैं कुछ इसके पैडल्स जो कि एक स्पोर्टी लुक के साथ में आते हैं। बाकी अगर मैं यहाँ से सीट की बात करूँ तो सीट इसके टॉप एंड वेरिएंट में आती है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोर वे। इसकी जो हाइट एडजस्टमेंट है वो मैनुअल दी गई है। यहाँ इसके अंदर जो सीट आती है वो आती है वेंटिलेटेड सीट, तो ये भी बड़ा अच्छा फीचर है। यहाँ से आपको गर्मी के अंदर गर्मी फील नहीं होगी, और ये बड़ी ही खास एक लुक है। इसके अलावा अगर इसके इंटीरियर की बात करें तो भाई ऐसा कुछ है इसका इंटीरियर, और ये बड़ा ही गजब का लुक दे रहा है। इसके सबसे पहले अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूं तो इसका स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक है, जो कि राउंड शेप में आ रहा है। और यहाँ पे इसका हुंडई का लोगो है जो कि सिल्वर सैटन में आता है, ना ही कोई क्रोम है और ना ही कोई शाइनिंग है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। साथ ही इसका नीचे से सिल्वर है, ऊपर से ब्लैक है, ब्लैक इंटीरियर है, रेड कलर की टोन है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक लुक है। इसके टॉप एंड वेरिएंट में बैठने के बाद में आपको लग्जरियस फील हमेशा होगा। आपको कहीं से कहीं तक ये नहीं लगेगा कि आप 18-20 लाख की गाड़ी में बैठे हैं, आपको लगेगा कि आप 40 से ऊपर लाख की गाड़ी में बैठे हैं। और ये चीज़ इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रही है। सबसे पहले इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये वाला इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि कनेक्टेड एक लुक दे रहा है। और ये जो है इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ये ड्राइवर साइड थोड़ा सा झुका हुआ है, जिससे कि ये ड्राइवर को थोड़ा सा और ज़्यादा कंट्रोल्स अपनी तरफ दिखाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एसी वेंट्स की, तो नीचे इसके एसी वेंट्स आ जाते हैं कुछ इस तरह के रेड इंसर्ट्स के साथ में, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पे इसका हज़ार लाइट का स्विच जो कि इल्यूमिनेटेड आता है। नीचे इसके एसी के कंट्रोल्स और इंफोटेनमेंट स्क्रीन के कंट्रोल्स दोनों यहीं पे दिए गए हैं। उसका जो स्विच है वो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से दबा के एसी के कंट्रोल्स बन जाते हैं और यहीं से दबा के इंफोटेनमेंट स्क्रीन के कंट्रोल्स बन जाते हैं। ये चीज़ फर्स्ट इन सेगमेंट है इस बजट रेंज में मेरे हिसाब से। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अगर हम बात करें इसके आगे वाली दोनों सीट के वेंटिलेटेड फंक्शंस के बारे में, तो फंक्शन उसके दिए गए हैं यहाँ पे भाई, ये चारों फंक्शन दिए गए हैं। यहाँ पे मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग, ये मिल जाता है 120 वाट 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पे मिल जाता है USB Type-C और USB Type-A सॉकेट। ये है इसकी फ्रंट प्रोफाइल, सारा का सारा ये चीज़ लेदर दिया गया है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसका एक व्यू है। ऐसा कुछ है इसका ग्लव बॉक्स जो कि ज़्यादा डीप नहीं है, बट इसमें कूलिंग फीचर मिल जाता है। ऐसी है कुछ इसकी लेफ्ट गेट की प्रोफाइल, जिसमें कि यहाँ पे आपको लेदर मिलता है और ये बहुत ज़्यादा
खूबसूरत एक व्यू दे रहा है। अगर बात करें इसके वैनिटी मिरर की तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में वैनिटी मिरर मिल जाता है, कोई लाइट नहीं मिलती है। और राइट साइड में अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है लेकिन लाइट का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। इसके अंदर जो सनग्लास होल्डर है वो भी नहीं आता है। यहाँ पे सब ये माइक की प्लेसमेंट है और यहाँ पे जो है ये LED लाइट्स दी गई हैं। और अभी ये गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है तो इस वजह से हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, वरना इसके अंदर अडास लेवल 2 भी दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं प्लेसमेंट यहाँ पर है। और उसके कंट्रोल्स आपको यहीं इसी स्टीयरिंग पे मिल जाते हैं, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। बाकी अगर हम बात करें इसके IRVM की तो ये मिल जाता है ऑटोमेटिक, जिसमें आपको SOS और ये वाले फीचर्स मिल जाते हैं एक Hyundai Connect वाले। और इसके चलता हूँ फटाफट से पीछे वाली सीट पे और पीछे वाली सीट पे आपको चेकआउट करवाता हूँ कैसा कुछ है इसका कंफर्ट। उससे पहले मैं आपको एक बार दिखा दूँ, यहाँ पे मिल जाते हैं अपने को पार्किंग सेंसर्स के बटन, यहाँ पे मिल जाता है आपको पार्किंग कैमरा एक्टिवेट करने के लिए और यहाँ पे मिल जाते हैं आपको ड्राइविंग मोड। उसके अलावा अगर राइट साइड में बात करूँ तो यहाँ पे मिल जाता है ऐसा कुछ जिसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और यहाँ मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन ऑन ऑफ ऑटोमेटिक। यहाँ पे मिल जाता है हुड को खोलने के लिए, फ्रंट हुड को खोलने के लिए। तो ये चीज़ इसकी कुछ ऐसी है। फटाफट से चलते हैं इसकी रियर प्रोफाइल में। उससे पहले आगे वाला जो डोर है वो बंद करते समय मेरे को बड़ी ही अच्छी फील हुई। ये ऐसी है कुछ इसकी थर्ड, मैं आपको दोबारा से सुनाता हूँ एक बार। तो ये बड़ी ही खूबसूरत साउंड है। और पीछे वाले गेट पे भी काफ़ी ज़्यादा वेट दिया गया है, सेम चीज़ यहाँ पे लेदर वाला पैटर्न दिया गया है। और इसके अलावा ये जो है पूरा सॉफ्ट टच में है। बोस के स्पीकर्स आते हैं इसके अंदर, 6 स्पीकर एक सबवूफर इसका सेट मिलता है। और इसके जो रियर प्रोफाइल है वो कुछ ऐसी है, आप देख सकते हैं इसकी सीट्स जो कम्फर्ट है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और पीछे की साइड में मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स जो हैं उस टाइप का दिया गया है। ऑल्दो ये वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है लेकिन पैटर्न आगे से मैच करने के लिए ये जाली वाला, ये जो डॉट डॉट्स हैं ये वाला दिया गया है। इसके चलते हैं रियर प्रोफाइल में। रियर प्रोफाइल में जाने के बाद में सबसे पहले जो मेरे को फील हुआ वो इसका अंडर थाई सपोर्ट। भाई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ये चीज़। और आगे वाली सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड थी जो कि मेरी हाइट है 5'7" और यहाँ पे मेरे को जो लेग रूम है भाई इतना ज़्यादा लेग रूम मिल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए कंफर्टेबल है अगर लॉन्ग ट्रिप्स में भी जाते हैं। और यहाँ पे जो अंडर थाई सपोर्ट है, मेरे जो पैर हैं वो पूरे आगे जाने के बाद में आप देख सकते हैं उठ चुके हैं लेकिन, और यहाँ पे जो है मेरे को बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिल रहा है। बात करूँ अगर मैं हेडरेस्ट की तो मेरे पीछे हेडरेस्ट ये पूरा एडजस्टेबल मिलता है। ऑल्दो इसके अंदर एक कमी दी गई है जो कि तीन बंदों के लिए हेडरेस्ट नहीं मिलता, इसके अंदर सिर्फ दो हेडरेस्ट ही मिलते हैं। ऑल्दो इसमें टॉप एंड वेरिएंट में ये सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि ट्विन कप होल्डर के साथ में आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इसके पीछे से इस AC वेंट्स की तो यहाँ पे AC वेंट मिल जाता है। ऑल्दो ये लग्जरी लुक नहीं दे रहा जितना हमें वर्टस में मिल जाता है, उसके अंदर जो लग्जरियस है पीछे बैठने के बाद में ये चीज़ें बड़ी ही खास लगती है। ये वाला हुंडई में नहीं आता था लेकिन ये टॉप एंड वेरिएंट में ये स्लाइडेबल दे दिया गया है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। पीछे पॉकेट मिल जाती है सीट में दोनों साइड, यहाँ पे मिल जाता है मोबाइल को रखने के लिए दोनों की साइड। ये दोनों ही टाइप सी स्पोर्ट्स मिल जाते हैं। इसका सबसे खास फीचर भाई अब दिखाता हूँ मैं आपको, ये है इसका सनरूफ। और सनरूफ अगर हम इसका ओपन करें तो ये है इसकी कुछ लुकिंग, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सनरूफ है, छोटा वाला सनरूफ है ऑल्दो, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो और कंपटीशन से थोड़ी ज़्यादा है। तो इसमें अगर आप निकलते भी हैं तो ईजिली निकल पाते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं इसके राइट साइड में तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कोट का हुक, लेकिन लेफ्ट साइड में कोई भी कोट के लिए हुक नहीं मिलता। पीछे की साइड एक लग्जूरियस मेरे को एक चीज़ लगी ये, जो कि आप अपने हिसाब से हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। चलते हैं भाई इसके बाहर और आपको सबसे पहले मैं चेकआउट करवाता हूँ इसका साइड व्यू। ये इतना ज़्यादा बड़ी कार है और इसकी जो लेंथ है पूरी वो आपकी स्क्रीन पे आ रही है और इसकी जो विड्थ है, हाइट है, वो पूरी आपकी स्क्रीन पे आ रही है। 2650 mm का इसका व्हील बेस है तो ऐसी कुछ इसकी LED है। बेस वेरिएंट में ये सब कुछ रिफ्लेक्टर आता है। 1.5 टर्बो की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे मिल जाता है आपको नंबर प्लेट के लिए प्लेसमेंट। यहाँ पे ऐसी कुछ है इसकी लाइटिंग्स बैक में, ये पूरी कनेक्टेड लाइट है, वरना की प्लेसमेंट है यहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है हुंडई के बैज के नीचे। और इतना प्यारा इसका लुक है जिसमें कि हमें पीछे की साइड 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं और ये वाली जो ग्रिल है वो कुछ इस तरह की है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है क्योंकि ये पार्किंग में लगी हुई थी गाड़ी। बूट स्पेस की बात करूँ भाई इसके अंदर मिल जाता है 528 लीटर्स का बूट। और पिछली बार मैंने आपको वर्टस में दिखाया था कि उसका बूट जो था वो हल्का सा खोलते के साथ ही पूरा खुल जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही खुलता है। इतना खुलने के बाद में इसको आपको मैकेनिकली अपने हाथ से ऊपर करना पड़ेगा और ऊपर इस तरह से जाएगा पूरी वाइड ओपनिंग।
बाकी अगर हम उसके बूट की बात करें तो बूट में हमें लैंप मिल जाता है सबसे ऊपर, ये यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट है, ये इसका सबवूफर है बोस का, ऐसा कुछ है इसका कंपार्टमेंट जो कि एक बहुत बड़ा, एक बहुत ह्यूज स्पेस आपको दे रहा है। ये वाला जो एक मेटल है ये चीज़ मेरे को बड़ी ही कमज़ोर सी लगी, तो ये दो पार्ट में कर सकते थे, क्योंकि अगर कोई भी इंसान स्टेपनी निकाल रहा है तो उसको ये चीज़ निकालनी पड़ेगी, और ये बड़ा ही हल्का है, आप देख भी सकते हैं ये चीज़ें, थोड़ा कंपनी को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं इसके स्टेपनी की बात करूं, इसके स्पेयर व्हील की बात करूं, तो ये है ड्रम में कोई भी अलॉय का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। करें अगर इसके हाई माउंट स्टॉप लैंप की, तो यहाँ पे मिल जाता है इसका हाई माउंट स्टॉप लैंप, और ऊपर मिल जाता है ऐसा कुछ पियानो ब्लैक फिनिश में शार्क फिन एंटीना। भाई ये मेरी हाइट है और आप देख सकते हैं मेरी हाइट से कितनी ज़्यादा नीचे ये कार है, तो बहुत ही ज़्यादा एक खूबसूरत इसका लुक आ रहा है, प्रॉपर सेडान वाली फील मेरे को आ रही है। इसके अलावा मेरे को बड़ी ही खास चीज़ लगी इसके साइड में, ये जो पैटर्न है ये मैं आपको क्लोजअप से दिखाऊं तो ये बहुत ही खूबसूरत इसको लुक दे रहे हैं। इसके अलावा ये वाला जो इंजन है वो 1.5 लीटर टर्बो इंजन है, तो ये पावर भी बहुत ज़बरदस्त जनरेट करता है, जो कि 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, और आपकी स्क्रीन पर इसकी सारी डिटेल्स आ रही हैं। तो भाई ऐसा था इसका 360 व्यू बाहर से, अंदर से इसके फीचर्स जो हैं, अपडेट जो हैं, प्राइसिंग डिटेल्स सारी आप लोगों के साथ शेयर करी। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो। आप लोग हमें हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है गाड़ी के साथ आपकी, वो हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लविंग, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। बाय बाय।